तो दोस्तों ये देखिए, धान में फूल आने लग गए हैं, यानी कि जो धान में फूल होते हैं जिसको हम कहते हैं पोसना, वो अभी शुरू हो गया है। हमारी भाषा में हम कहते हैं धान पोषण, कुमाऊनी में तो धान पोसने लग गए हैं। और ये राजमा कहाँ का है मैम? ये गणनाथ का राजमा है। गणनाथ में होनी भर राजमा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मुंशियारी जैसा राजमा है, थोड़ा थोड़ा दिखने में। और ये राखी भी आपने बना रखी है, ये हाथ की बनाई राखी है। तो दोस्तों कल राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन है। तो दोस्तों हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे फिलहाल तो चिट्ठियाँ नहीं लिखी जाती, बहुत ही कम हो ऐसा होता है कि कोई हाथ से लिख के आपको भेजे। तो ये दीदी ने भेजा है, तो लिखा है कि प्रिय राजू, हम सब यहाँ कुशलता से हैं, तुम्हारी कुशलता की कामना ईश्वर से करते हैं। पिछली बार राखी देर से पहुंची थी, इसलिए इस बार डाक से भेज रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। सुबह के 11 बज गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। तो आज अपने साथ है गौरव भाई, अभी अभी आए हैं फौज से रिटायर होके, ना रिटायर छुट्टी पे आए हैं। तो मैंने कहा इनसे पार्टी वार्टी ले लेंगे, इसलिए थोड़ा मार्केट तक हुआ रहे। पीछे से नीरू पहुंची है और उसके पीछे विराट है, तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या होता है मार्केट में। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्या, हमारे गांव में आजकल खेतों की क्या स्थिति है, धानों की क्या स्थिति है, वो दिखा देता हूँ। काफी दिनों से दिखाया नहीं आपको, पहले वो दिखा। तो दोस्तों ये देखिए, धान में फूल आने लग गए हैं, यानी कि जो धान में फूल होते हैं जिसको हम कहते हैं पोसना, वो अभी शुरू हो गया है। हमारी भाषा में हम कहते हैं धान पोषण, कुमाऊनी में तो धान पोसने लग गए हैं और बालियां आने लग गई हैं, फूल आने लग गए हैं धान में धीरे धीरे। ये देखिए, तो जो हमने रोपाई लगाई थी आषाढ़ के महीने में, अभी भादो लग गया है, आषाढ़ के बाद सावन, सावन के बाद भादो, तो भादो में फिलहाल धान जो है पोसने लगे हैं। बहुत ही सुंदर, अभी पूरी तरह से नहीं, लेकिन कोई कोई बाली जो है आनी शुरू हो गई है पौधे पे, किसी किसी पौधे पे बालियां आनी शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे पूरे खेतों में जो है बालियां ही बालियां आ जाएंगी, धान की बालियां। तो काफी सुंदर नजारा होता है जब धान होने शुरू हो जाते हैं। वैसे भी सुंदर ही है, अभी भी सुंदर है, लेकिन अभी क्या है कि लगातार बारिश से ये होती है, हर दूसरे तीसरे दिन हल्की फुल्की बारिश, ताकि जो धान हो रहे हैं उस पर बढ़िया से रस भर जाए और बढ़िया चावल हो। ये देखिए आप, ये है जी हमारा गांव सोमेश्वर घाटी का लदुड़ा। फिलहाल मार्केट की ओर चलते हैं, वो लोग आगे निकल गए हैं, उनको पकड़ता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं सोमेश्वर तल्ला बाजार की तरफ हूँ और यह है यहाँ का प्राइमरी स्कूल। और यहाँ पे आज रविवार है, तो कुछ मेला जैसा लगा हुआ है महिलाओं का, तो अंदर काफ़ी सारी महिलाएं बैठी हैं और जो हैं एक उन्होंने छोटा सा बाजार खोल रखा है अपनी चीज़ों को बेचने का, सामानों को बेचने का, जो इन दिनों घर में हो रहे हैं। तो महिला समूह अलग अलग संगठनों से जुड़ी हुई है, तो पता करते हैं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। धीरे धीरे चलते हैं मंच की तरफ, आपको प्राइमरी स्कूल दिखा देता हूँ पहले सोमेश्वर का। ये देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये लोग बैठे हुए हैं, अब इनसे जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या कुछ है। ये देखिए दोस्तों, तो जी देख सकते हैं क्या क्या सामान यहाँ पे आया है। ये तो हिलांस का है, काफी खूबसूरत इसकी पैकिंग है, बड़ी मडुआ है ना। हाँ, और ये भांग है। भांग क्या है, दाना है? दाना, भांग दाना, ये पिसा हुआ है, ये झुंगरा है, ये झुंगरा है, भट है, ये भट है। तो कैसे आप ये यहाँ पे बेच रहे हो आप? हाँ। तो लोग आते हैं खरीदने? आज हमारी पहली बार लगी है। अच्छा, पहली बार है? आज हमारा शुरुआत चल रहा है, शुरुआत है। तो ये मैम जो है आप अध्यक्षता कर रही है यहाँ पे, तो ये थोड़ा बताएंगी इसके बारे में, मैं जानता हूँ। मैम सबसे पहले तो ये बताओ कि ये क्या चीज है, मुझे समझ ज्यादा है नहीं, हालांकि मैं पोस्टर में समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा डिटेल में बता दो। जो ये हमारे समूह बने हैं, केंद्र सरकार की योजना है नालम, उसके द्वारा हमारे जो समूह बने हैं ब्लॉक लेवल पे, जितने भी हमारे 62 गाँव है सोमेश्वर साइड के, वो अपने हमारे गाँव में जो पहाड़ी
सब्जियां होगी और दालें होगी, और जो हमारे घर में महिला खुद राखी बना रही हैं, और कोई टी होगी, तुलसी की चाय होगी, और लेमन ग्रास हो गया, जो हमारी पहाड़ी चीजें हैं ऑर्गेनिक, जो हम अपने घर में बिना खाद के यूज करते हैं, तो वो जो हम गोबर वाली खाद यूज करेंगे, जो उगाते हैं ऑर्गेनिक, उस सामान को हम आज यहाँ एक हम हर संडे मार्केट लगाएंगे, जो हमारी महिलाएं धीरे धीरे हर संडे में अपना अपना सामान लेके यहाँ बेचेंगे। तो हर रविवार अब यहाँ से यहाँ पे मार्केट लगेगी। हाँ। ये प्राइमरी सोमेश्वर में। तो मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको, ये राजमा कहाँ का है मैम? गणनाथ का राजमा है। गणनाथ में राजमा? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मुंशियारी जैसा राजमा है, थोड़ा थोड़ा दिखने में। और ये राखी भी आपने बना रखी है? ये हाथ की बनाई राखी है। तो दोस्तों कल राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपने यूज किया है। एप्पल द्वारा, और अब जो ये गत्ते वाली वो होती है ना बेकार चीज, तो उसको हमने इसकी कटिंग करा के, हाँ, इसकी एप्पल से पेंट से इसकी यूज करके। तो ये आपने बना रखा है ताजी? अभी हाँ, ये बच्चों ने, समूह की महिलाओं ने, हमने सबने मिलके बना रखा। अच्छा, ये समूह हर गांव में है? हर गांव में समूह है हमारे, हर गांव में समूह की महिलाएं हैं। अच्छा, ताकुला के नवासी गांव में ये समूह है। ये आप क्या, इसमें क्या है? ये तुलसी है, तुलसी टी है। जैसे इसको हम चाय बना के ना, जैसे काढ़ा भी बनाते हैं, तो हम तुलसी का काढ़ा बनाते हैं सर्दी जुखाम में, इस चीज में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तुलसी का वो है, सुखा के हम लोग इसको बनाते हैं। और जैसे हमने टीका वो बना रखा है उसका, तो जैसे घर में अगर हमने जैसे टीके का, ये क्या है? टीका? टीका है। अच्छा, जो हम हल्दी और उसे बनाते, हाँ, हैं। बनाते हैं हल्दी और नींबू डाल के, सुहाग डाल के उसमें। तो ये हमने ये टीका बना रखा, महिलाओं ने सारे मिलके, बहनों ने हमारी ये टीका बनाया। तो दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता पंत है। आप कौन से गांव से हैं? मैं सुपाकोट गांव से हूँ। सुपाकोट से? हाँ। अच्छा। और मैं रीप में जॉब, इसमें रीप में करती हूँ, काम करती हूँ। अच्छा। और हम लोगों ने, हम इसमें हम बीज भी सारे किस्म के, हम हाइब्रिड वाले बीज हैं हमारे पास सारे। तो जैसे हमारी महिलाएं हमारे कृषि उद्योग का काम करती, जैसे हम उद्योग बढ़ाने के लिए ना गाँव में हर एक महिलाओं का, तो ये हम बीजों का वितरण भी करते हैं, सारी चीज बीजों का। और इससे बहुत सी महिलाओं ने इसको लगा के, मतलब इस बार हमारे रनमन क्षेत्र में ये भिंडी का डेमो करा के उन्होंने 200 किलो करीब, उससे भी ज्यादा भिंडी बिक्रेता करके अपनी आय बढ़ाई है। एक एक परिवार ने? एक परिवार ने, दो परिवारों ने कर रखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। तो लोगों को मतलब फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो और कहाँ कहाँ पे एक्टिव है चीजें? चीजें वैसे तो हर गांव में एक्टिव है हमारा, लेकिन आज हमारा पहली बार बाजार लगी हुई है, मार्केट लगी हुई है, अभी इसका उद्घाटन होना है। तो अगले संडे से हर महिलाएं हमारी, हर समूह की महिलाएं यहां पहुंचेंगी और अपना अपना सामान बिक्री करेंगे, अपने अपना रोजगार बनाएंगे अपने में, स्वयं में। हम ये चाहते हैं कि हर एक महिला अपने में स्वयं में सक्षम हो, वो अपना सामान बिक्रय करे, और उनको ये भी पता चले कि हम मार्केटिंग कैसे करें, कैसे अपना सामान बेचें। इसलिए हम लोगों ने ये आज करा हुआ है। वैसे भी देखा जाए तो हमारे पहाड़ में सारा काम तो महिलाएं करती हैं, महिला सशक्तिकरण से ही सारा काम होता है, लेकिन बाजार में महिलाओं की स्थिति थोड़ा उतनी अभी मजबूत नहीं है। अभी हम लोग का उतना वो नहीं है, लेकिन हम चाह रहे कि हम मार्केटिंग में भी ये काम को हम आगे लाए और आगे को इसको बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले रविवार से हर रविवार यहाँ पे आप लोग आएंगे? ठीक है, धन्यवाद दीदी। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से काम हो रहा है ग्रामीण स्तर पे समूह के द्वारा, वो सराहनीय है। तो अभी हम सोमेश्वर जहाँ पे बाजार लगी थी वहाँ से बाहर आ गए हैं, तो अभी मेन बाजार में आ गए हैं। यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है वो दिखाता हूँ आपको, उसके बाद सीधे घर ले जाए। ये दोस्तों मेन बाजार है, चौराहा जहाँ पे है, और कल क्योंकि राखी का त्यौहार है तो राखियाँ बिक रही हैं यहाँ पे। कल है रक्षाबंधन, तो अभी सीधे घर को चलते हैं। मेरी शॉपिंग हो गई है, ज़्यादा कुछ मैंने खरीदा नहीं, एक दो लोअर खरीदने थे, तो ये तीन भाइयों की दुकान से मैं ले आया ऊपर लोअर। फिलहाल घर को चलते हैं, गौरव लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, उनको ढूंढता हूँ मैं। दोस्तों अभी हो गई है शाम, और सुबह गए थे मार्केट से वापस आए, फिर अभी दुकान में गए थे। तो दुकान में गया तो वहाँ पर एक ये रक्षाबंधन आया था मेरे लिए, तो एक दीदी है विदा दीदी, उन्होंने ये भेजा है, तो इसको देखते हैं, खोलते हैं, और कुछ पत्र वत्र भी वो भेजते रहती हैं इसके साथ, अगर भेजा है तो आपको पढ़ के बताते हैं। इसके अलावा भी एक और रक्षाबंधन मेरे पास आता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो हो सकता है अब रक्षाबंधन के बाद ही आए। फिलहाल इसको खोलता हूँ। तो दोस्तों ये लिफाफा है, और खोलते हैं इसको,
अच्छा तो इसमें से चिपक गए हैं। ये एक कागज है और अंदर एक राखी है। तो ये है जी चिट्ठी, चिट्ठी है। इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे फिलहाल तो चिट्ठियाँ नहीं लिखी जाती, बहुत ही कम हो ऐसा होता है कि कोई हाथ से लिख के आपको भेजे। तो ये दीदी ने भेजा है, तो लिखा है कि प्रिय राजू, हम सब यहाँ कुशलता से हैं, तुम्हारी कुशलता की कामना ईश्वर से करते हैं। पिछली बार राखी देर से पहुंची थी, इसलिए इस बार डाक से भेज रही हूँ, इस आशा के साथ कि जल्दी पहुंच जाएगी। बहन की शादी में ना पाने का मलाल रहेगा, पर जैसे ही अवसर मिलता है हम सोमेश्वर जरूर आएंगे और साथ ही चलेंगे छोटी बहन से भी मिलने बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि राखी बंधवा लेना, खूब प्रसन्न रहो भाई, खूब उन्नति करो, ईश्वर तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य दे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण करे। और अपना नाम लिखा है पीछे से, तो बहुत ही खूबसूरत है ये। कितना है कि उसको मैं खूब शब्दों में फिलहाल तो बयान नहीं कर पाऊँगा, मतलब बहुत सुंदर है। अच्छा लगता है जब ऐसे कोई आपके लिए लिख कर भेजता है, खासकर हाथ से लिख कर भेजता है, टाइप नहीं करता, तो बहुत अच्छा लगा। फिलहाल अभी यहाँ से ऊपर को चलते हैं। तो दोस्तों अभी रात हो गई है और फिलहाल हम जो हैं वीडियो अपनी एडिट कर रहे हैं। अच्छी तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ था, लेकिन लास्ट में आपने देखा होगा किस तरह से मुझे जो है एक पत्र मिला, जो कि भेजा था मुझे, कहाँ से आया था, भिलाई से आया था। तो जैसे दोस्तों कुछ रिश्ते तो हमें जन्मजात मिलते हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि हम खुद बनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमने रिश्ते बनाए हैं, उनमें से एक दीदी है हमारी अविदा शर्मा, इनका नाम है, और एक और दीदी का रिश्ता है मेरा किसी से नेहादी, उनकी भी राखी आई नहीं है, हो सकता है आ जाए या फिर मतलब भेजा है उन्होंने, पता नहीं कब तक आएगी, क्योंकि डाक विभाग आजकल थोड़ा व्यस्त हो जाता है और ढिलाई बरतता है, तो पहुंची नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम जो रिश्ते बनाते हैं बहुत ही खास होते हैं, दोस्त का हो, बहन भाई का हो, या फिर किसी का भी रिश्ता हो जो हम बनाते हैं, जो हमें जन्म से नहीं मिले होते हैं, जो हम खुद से बनाते हैं, वो अपने आप में बहुत खास होते हैं। तो फिलहाल आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे रक्षाबंधन के दिन, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप इसे बहुत अच्छे से मना रहे होंगे और भाई बहन के साथ मना रहे होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, टाटा।